आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज टीपी यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहाँ प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और NH पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो में अंशुमन रॉय जी, जो एक जाने माने ट्रैवल एजेंट है। और अभी सबसे बड़ी एक समस्या जो अंडमान निकोबार में चल रही है, खास करके हमारे जो यहाँ के आम लोग हैं, इससे काफ़ी परेशान हैं। और ये है फ्लाइट का जो रेट है, फ्लाइट टिकट्स का काफ़ी हाई प्राइस है। तो इसको लेकर जो है हम सर से बात करते हैं, और सर क्या कहना है आपको सुनाते हैं। रोहित जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मतलब कई सारे पॉइंट्स ऐसा है कि अंडमान एंड निकोबार को नेग्लेक्टेड रखा गया है। कई विषयों में तो हम अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन एक सालों साल भर जो है एक दो तीन मुद्दा जो है कॉमन रहता है, उसमें से एक है आपका फ्लाइट रेट्स। ये इस साल का सिर्फ विषय नहीं है, ये हर साल जो है जब टीचर सेलिंग होगा या फिर बच्चों का छुट्टियां होगी, समर वेकेशन होगा, ये टाइम पे जो है जितने भी एयरलाइंस कंपनीज है ये अंडमान सेक्टर के लिए इतने हाई रेट्स रख देते हैं कि आप मतलब कोई रीज़न नहीं है इसका, और कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये क्यों जो है ये रेट बढ़ा देते हैं। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और एविएशन मिनिस्टर तक जो है इस विषय को लेकर काफ़ी बार जो है चर्चा किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन अभी तक स्ट्रिक्टली हो नहीं पाया है। क्योंकि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड जो है ये मेनलैंड से ज्योग्राफिकली इतने ऐसे पोजीशन में है कि हम फ्लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसका मतलब खर्चा और उसका जो फेयर है वो बढ़ जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग और एक मुश्किल का दौर रहता है। क्योंकि देखिए, शिप भी है, लेकिन शिप का शेड्यूल, शिप का जो मैनेजमेंट है, शिप का जो दिन लगता है मेनलैंड पहुंचने में या ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब कुछ लेते हुए शिप को प्रिफरेंस जो है बहुत कम जन करते हैं आजकल। आजकल मेरा ख्याल से 70-80% पब्लिक जो है वो प्लेन को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन सर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अभी जो रेट्स है ना सर, देखा जाए अगर शिप डाल दिए जाए ना, मैं आपको बता दूँ और ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, शिप जो है खाली नहीं जाएगा सर, बल्कि और लोगों की और भी मांग रहेगी। क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी लोगों से मैंने जो है ऑफ कैमरा जो है मैंने बात किया, लोगों का ये कहना है कि शिप का जो फ्लाइट का जो रेट है ना, उसके हिसाब से कितना भी पुराना शिप अगर दे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को सर मेडिकल कंडीशंस के लिए जो है बाहर जाता, क्योंकि अंडमान निकोबार का सबको पता है, लेकिन अभी जो है जीपन अस्पताल में जो है अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह जो है हो रहा है, और पैलेस के मुताबिक जो है अभी काफ़ी अच्छा, लेकिन फिर भी जो है और हायर ट्रीटमेंट के लिए जो है बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, जो तरह का फ्लाइट का रेट है, आप खुद बताइए सर, आप खुद इसमें जा सकेंगे? आप खुद जो है देखा जाए, आपका घर वाले अगर साथ में जाएंगे, आप खुद एफर्ट नहीं कर सकेंगे सर? नहीं, ये सही बात है, ये कॉमन पीपल का एक बड़ा मुद्दा रहा है ये आइलैंड में। क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो या तो फ्लाइट रेट्स या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स, ये सब में जो है झमेला होता है। लेकिन ये विषय को कहीं ना कहीं जो है सीरियसली लेके इसका एक सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाले लोग भी इंसान हैं, ये कोई दुनिया से अलग जगह नहीं है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। हर विषय में जो है अंडमान के लोगों को जो है झेलना पड़ रहा है, तो ये चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। सबसे बड़ा बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखिए जो सब्सिडीज़ शिप्स में देते हैं, शिप्स टिकट्स में जो भी सब्सिडीज़ दिया जा रहा है, क्यों ना हम फ्लाइट टिकट्स में ये सब्सिडीज़ को कन्वर्ट करें।
वहाँ पे आपका 75% टू लेक, मतलब 75% हाईएस्ट लेके 50% 55% 48% तक का सब्सिडीज दिया जा रहा है। एक कॉमन सब्सिडी जो है आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए आप क्यों नहीं देते फ्लाइट टिकट्स में? ये बहुत बहुत एक बहुत रिलीफ मिलेगा आइलैंडर्स लोगों को। और देखिए आप बोल रहे हैं कि पेशेंट्स को लेके जाना है, ये तो कई बार जो है हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं कि एटलीस्ट जो है फ्लाइट्स में जो पेशेंट्स को लिया जाता है उनको तो सब्सिडीज दिया जाए। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपया अगर मेरे घर पे कोई स्ट्रेचर पेशेंट आए हो जाए, मतलब कोई बीमार हो जाए जिनको स्ट्रेचर में मेनलैंड लेके जाना पड़ता है, तो 3 लाख रुपया जो है हमें मेरे जेब से देना पड़ेगा। तो उसमें सर आप फ्लाइट में जाएंगे कि आप पैसा इकट्ठा करके ट्रीटमेंट कराएंगे सर? वो तो वही जाने जो जो जिनका हालत ऐसा है। तो देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम रहा है आइलैंडर्स को, पानी का, बिजली का, आपका खास करके ट्रांसपोर्टेशन में जो शिप्स हो गया, या फिर मेनली अभी जो मुद्दा आप उठा रहे हो एयर टिकट्स का, फ्लाइट टिकट्स का, ये सब इश्यूज़ को सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से एविएशन मिनिस्टर तक जो है ये बात पहुँचना चाहिए और अंडमान एंड निकोबार को एक ऐसा कंसिडरेशन में लाना चाहिए जहाँ पे सब्सिडाइज फ्लाइट टिकट्स का प्रावधान हो। और ख़ास करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो भी पेशेंट्स जाते हैं फ्लाइट्स में उनके लिए तो स्पेशल प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अपना जान और जिंदगी का रक्षा करने का हक हर एक इंसान को है, भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो। तो ये मैं अपील करूंगा कि अंडमान एंड निकोबार सेक्टर में जो भी एविएशन कंपनीज जो भी काम कर रहा है या तो वो खुद सोचे या फिर एक मिला जुला एक मतलब डिस्कशन हो कि जहाँ पे इस बात का सॉल्यूशन आए कि फ्लाइट टिकट्स का रेट्स कैसा कम हो, क्योंकि ये हर साल का ये बराबर का मुद्दा रहता है और झेलना एट लास्ट जो है पब्लिक को ही पड़ता है। मैं तो पब्लिक से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग खुद आए, सामने आए और आवाज़ उठाएं, क्योंकि देखिए ये कुछ कुछ मुद्दा ऐसा है कि आप इसके उसके ऊपर थोप के नहीं रह सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, देखिए सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता काफ़ी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन को और कहीं ना कहीं जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबको बुला के एक मीटिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए ये हर एक डेवलपमेंट का एक प्राइमरी स्टेप रहता है, वहाँ का ट्रेडर्स, वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ के कॉमन पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहता है, पॉलिटिशियंस, समाज सेवा जो करते हैं, एनजीओज, इनको लेके एक सॉल्यूशन निकालने का प्लान्स करना चाहिए। अगर मेरा मंशा ही नहीं है तो हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे? अंडमान एंड निकोबार को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम अभी ऐसा आएगा कि हर एक मुद्दे में जो है यहाँ पे हंगामा शुरू होगा, क्योंकि एक लेवल पार हो रहा है, हर एक सेक्टर में एक लेवल पार हो रहा है। अंडमान के लोग शांति प्रिय है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको संघर्ष करना नहीं आता है। तो ये एक मतलब ये एक ऐसा सोच के चले कि किसी का पेशेंस लेवल जो है चेक नहीं करना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता बहुत परेशान है और इसको सॉल्व करने के लिए या तो मिला जुला कोई स्टेप्स लिया जाए सबके साथ बैठ के जैसे आपने कहा है अभी, या फिर पब्लिक को खुद अपने हाथ में जो है लगाम लेना पड़ेगा। और ये दिन मतलब देर नहीं है, बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद सर। और देखिए काफ़ी बार हमने सर से बात की और आइलैंडर्स के हर मुद्दे को लेकर सर ने जो है हमसे जो है काफ़ी बात जो है हमारे समक्ष रखी, इवन जनता के समक्ष भी रखी। तो अब जो सर ने कहा है कहीं ना कहीं देखिए हर किसी का सीमा होता है, सब्र का बांध जब टूट जाए तो फिर क्या होगा इसका जो है हम भी आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। आप सभी को पता होगा इससे पहले जो एक LG साहब थे उसको हटाने के लिए अंडमान निकोबार की जनता ने एक आंदोलन किया था और उसमें क्या हुआ था आप सभी को पता है। तो देखिए बस हम यही कहना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार की जनता के साथ खिलवाड़ ना हो, और अभी जैसा हो रहा है हर चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो,
और अंडमान निकोबार जनता का जो आवाजाही, जो लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं, और अभी जो समर वेकेशंस है और अभी इस समय इतना रेट, तो लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, प्लीज़ अंडमान निकोबार के साथ खिलवाड़ ना करें। बस इसी के साथ ही मैं रोहित करुणा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।